सरोकार। बीजेपी की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक संपन्न, कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसी बीजेपी। कांग्रेस की बड़ी बैठक महाधिवेशन को लेकर पार्टी की तैयारियां तेज। पैतृक आवास पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर, नम आंखों से दी गई विदाई। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अन्य दिवस, दर्शन पूजन के लिए उमड़ी भीड़। जिले के एक दिवसीय दौरे पर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे बाफना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सरगुजा में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से इस राज्य का विकास किया जा सकता है। मौजूदा सरकार ने छत्तीसगढ़ को पिछले 4 सालों में सिर्फ ठगने का काम किया है। जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को आज तक जो भी दिया है वो भी सिर्फ धर्मांतरण है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 तक केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा था। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ नंबर वन रहा करता था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में तब से एक प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति नहीं मिली है। कांग्रेस की सरकार की विफलता है, उसको लेकर भी हमने इस बैठक में चर्चा की और इस प्रकार से 2 दिन की हमारी बैठक संपूर्ण विषयों पर चर्चा करके बातचीत करने के बाद आज संपन्न हुई है और निश्चित रूप से हमारी यह बैठक आने वाले समय में पार्टी को मजबूती और पार्टी के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने वाला होगा और इसलिए अंबिकापुर में भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के लड़के पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर कांग्रेस हमलावर दिखाई दे रही है। नगर निगम के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि पुलिस ने बीजेपी के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी के सुपुत्र ने छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ में जो कृत्य किया है और उसके ऊपर FIR हो गया है, ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। हम नारायण चंदेल का और भाजपा में यदि थोड़ी भी पानी है तो उन्हें तुरंत पद से हटाना चाहिए, इसकी मांग करते हुए। और किस मुंह से वो छत्तीसगढ़ की पब्लिक के पास जा करके ये बात कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा नेता विधानसभा का उसका सुपुत्र ऐसी घटना करता है और उसे शह देने का प्रयास किया जा रहा है। सरगुजा में भाजपा जनजाति अधिकार महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता शामिल हुए। भाजपा जनजाति अधिकार सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ऐसी भीड़ 4 साल बाद देखने को मिल रही है। इधर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने कहा कि जनजाति महासम्मेलन आदिवासी वर्ग के लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। इन आदिवासी लोगों के लिए रमन सिंह की सरकार ने पिछले 15 सालों में बहुत कुछ किया है, लेकिन मौजूदा सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो आदिवासियों के लिए हितैषी भी माना जाए। सबने आह्वान किया है और मैंने जब ही आंकड़े कुछ मैंने दिया है कि वास्तव में सरकार जितना किया है उस समय डॉक्टर रमन सिंह के, और मैंने उदाहरण दिया अटल जी का और नरेंद्र मोदी जी का कि वास्तव में देश भर में आदिवासियों के कल्याण के लिए जितना शायद मोदी जी ने काम प्रारंभ किया है, महापुरुषों के सम्मान के लिए देश में आदिवासियों के लिए जो हमने किया है
शायद इतना कभी जीवन में नहीं हो सकता है। ये मैं आज कह के जा रहा हूँ और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों से कहा है कि आप सब पुराने इन सारे कार्यक्रम को आप देखिए। भाजपा के पूर्व विधायक लाफचंद बाफना और श्रीचंद सुंदरानी जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और साल 2023 के चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जबरन इसे लोगों पर थोपा है और उन्होंने कोर्ट में सही ढंग से आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा है। बैठक बिलासपुर में, फिर कोरबा जिले की बैठक कटघोरा में, और फिर अंबिकापुर से बलरामपुर और राजपुर, यहाँ आपके रामानुजगंज में एक कोई धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। और यहाँ के संगठन काफ़ी मजबूत है और संगठन की गतिविधि को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट प्रस्तावित होने वाला है उसमें जो भी समस्याएं हैं, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित जीएसटी की समस्या हो, चाहे और कोई टैक्सों के सरलीकरण की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने जो बलरामपुर के गौलाटा पर्वत के पास एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गौलाटा पर्वत के निचले हिस्से में मंदिर है जहां बैगा समाज द्वारा नियुक्त पुजारी के द्वारा सुबह शाम पूजा पाठ किया जाता है। उस जगह पर जो शव मिला है वह उस जगह के पुजारी रतिया चेरवा का बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पुजारी शाम को मंदिर में पूजा कराने निकले थे, जिसके बाद वो घर पर नहीं पहुंचे। परेशान घर वालों ने उनकी तलाशी की। इस दौरान उन्हें जंगल में खून से लथपथ उनकी लाश मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरेला पेंड्रा के बिलासपुर पेंड्रा मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, देखते ही देखते कार में आग लग गई। घटना में 3 लोगों की जलने से मौत की आशंका जताई जा रही। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जाँच शुरू कर दी है। महासमुंद पुलिस ने साल में पहले हुए कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का बेटा ही निकला। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने महज 6,000 रुपए के लिए अपने पिता की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। जाँच के दौरान इसके परिवार वालों संदिग्ध पाए गए थे, लेकिन उनसे पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे थे। और अभी फिर थाना प्रभारियों की जगह एसडीओ की हमारी मंजू बाग को मैंने द्वारा लगाया गया टीम में, तो इनके द्वारा टीम के सतत उनसे पूछताछ करने पर उसको खुलासा हुआ कि 6,000 रुपए के लिए ही उनके पुत्र शंकर साहू के द्वारा अपने पिता की हत्या की। मनेन्द्रगढ़ के वन परिक्षेत्र के जनकपुर में फिर से तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें यहां गांव बरछा और महदौली के लगे जंगल में तेंदुए ने दोमवेशी को अपना निशाना बनाया है। घटना के बाद वन विभाग द्वारा लोगों को अकेले में जंगल न जाने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय सेना में तैनात पामगढ़ के एक जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान जवान की अपने ही गन का ट्रिगर चलने से उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा तो उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। उनकी अंतिम यात्रा में नगरवासी बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा लेकर उन्हें अंतिम विदाई देने निकले। घर घर से पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद नगर के स्थानीय मुक्तिधाम में उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के शिवेंद्र नारायण पांडे, सैनिकों की टीम, परिवारजनों के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नगरवासी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। रायगढ़ में अघोर पीठ जन सेवा अभेद आश्रम अकलतारा के द्वारा रायगढ़ के लैलुंगा स्थित आश्रम में श्रद्धापूर्वक अन्यन दिवस मनाया गया। सुबह सुबह भक्तों ने श्रमदान किया और परम पूज्य कापालिक धर्म रक्षित राम बाबा जी ने अघोश्वर भगवान राम जी के तैलचित्र का पूजन अर्चना किया। इस दौरान दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी। इस मौके पर आश्रम में आए जरूरतमंदों को लगभग 800 लोगों को कम्बल वितरण किया गया।
उक्त कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया और दवा भी वितरित की गई। हम अपनी भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चे आज के बड़ों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। हमारे में एक पहले से जो एक धन है, श्रद्धा धन और विश्वास धन, वह दोनों धन से हम खाली होते जा रहे हैं दिनों दिन। तो हमें इस खत्म होती संस्कृति को हमें खुद हमको बचाना है और अपनी परंपरा को। रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ कई मंत्री शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि महाअधिवेशन को लेकर ये बैठक हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महाअधिवेशन में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक दिखाई देगी। इस महाअधिवेशन में संस्कृति, विरासत और विकास का मॉडल लोगों को दिखाया जाएगा। खबर पामगढ़ से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन जांजगीर चांपा जिला के जनपद पंचायत रामगढ़ के ग्राम पंचायत केसला के सरपंच पद और चेउंडी के सरपंच पद के लिए मतदान 23 जनवरी को होगा। इसके लिए मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर संयुक्त कलेक्ट्रेट एवं तहसीलदार अश्वनी चंद्रा, सेक्टर ऑफिसर एसडीओ श्री सोनवानी, डॉक्टर जैनिंद सूर्यवंशी, पशु विकास खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ प्रभारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी खान सर सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। अकलतरा में एक महिला का एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। बता दें कि अकलतरा के पोंडी गांव निवासी महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई थी। आनन फानन में उसे परिजन एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने बिलासपुर रेफर कर दिया। इसी बीच अचानक प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस में तैनात चालक अरविंद यादव ने समझदारी कर परिचय देते हुए नजदीकी गाँव की मितानिन चंद्रिका साहू से महिला का सुरक्षित प्रसव एम्बुलेंस में ही अंदर करवाया। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद यह प्रसव कराया गया। कोंडा गांव में आम आदमी पार्टी ने नगर की चौपाटी मैदान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडे शामिल हैं, जिनका सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा और धर्मांतरण और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार आम लोगों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की सुविधा दे रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, दवा और जैसी सुविधाएं भी दिल्ली में मुफ्त मिल रही हैं। राज्य में आपकी सरकार बनने पर उसी तरह सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी और राज्य में विकास कार्य तेजी से आएगी। शक्ति के नगर पंचायत डबरा के बिहार मंगलम भवन में विशाल सत्संग और निशुल्क दीक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। सत्संग में रामपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को अपने तत्वाम में बताया कि 84 लाख योनियों के बाद जीवात्मा को एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ऐसे में मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और अपराध से दूर रहे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति मानव जाति है। इस कार्यक्रम में पंकज दास, चंद्रमोहन दास, मानचंद्र साहू, राजकुमार लाल दास, मनोज साहू समेत भारी संख्या में सेवादार लोग उपस्थित रहे। और मैं शक्ति जिला के ग्राम बड़े कटकड़ी से हूँ और आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम था बी आर मंगल भवन डबरा में। संत रामपाल जी का मूल उद्देश्य है कि मानव समाज को सद्भक्ति देकर मोक्ष कराना और मानव समाज में जो कुरीति है और जो समाज सुधार है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो कवि साहब जी आए हैं, तो मानव समाज के लिए भी एक अच्छा प्रेरणा है। और नशा है, जिस दहेज रहित विवाह करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और जो भ्रष्टाचार है सभी संसंग के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।